आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। रात भर चली भूमाफियाओं के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई, सुबह प्रशासन और पुलिस ने रखे बड़े भूमाफियाओं के नाम। समान मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकार ने भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें कि इसके पहले सरकार ने इंदौर में ही करोड़ों रुपए के राशन घोटाले को उजागर किया था और अब हजारों करोड़ रुपए की जमीन के जादूगरों के असली चेहरे सामने लाकर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि इंदौर बुधवार रात से जारी कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई, जिसमें इंदौर में हुई भूमाफियाओं के खिलाफ प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी कारगर कार्रवाई मानी जा रही है। प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई 3,250 करोड़ की जमीन भूमाफियाओं से मुक्त कराई है। बता दें कि दो दशक से भी ज्यादा समय से भूमाफियाओं का जमीन पर कब्जा था और प्रशासन की कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं से पीड़ित करीब 1500 हितग्राहियों को न्याय मिलेगा। दरअसल इंदौर के पुष्प विहार में लगभग 1150 और अयोध्यापुरी में लगभग 350 लोग भूमाफियाओं से आहत थे, जहां पुष्प विहार मामले में दिलीप सिसोदिया उर्फ दीपक जैन उर्फ मद्दा, दीपेश बोरा, कमलेश जैन, नसीम हैदर पर मुकदमा दर्ज हुआ था और केशव नाचनी ओम प्रकाश धनवानी के खिलाफ भी FIR हुई थी। वहीं अयोध्यापुरी मामले में सुरेंद्र सांघवी, प्रतीक सांघवी, दिलीप सिसोदिया, विमल लोहाड़िया, पुष्पेंद्र नेमा सहित रणवीर सूदन, दिलीप जैन, मुकेश खत्री के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई थी। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह और DIG मनीष कपूरा के निर्देशन में बुधवार देर रात हुई कार्रवाई के दौरान दो थानों में से 6 FIR दर्ज की गई थी। वहीं 2 FIR MIG और 4 FIR खजराना थाने में दर्ज की गई थी। बता दें कि भूमाफियाओं द्वारा गृह निर्माण सोसाइटी बनाकर लोगों को सदस्य बनाने के साथ ही प्लॉट के एवज में मोटी रकम वसूली जाती थी और तमाम प्रक्रियाओं का पालन कर भूखंड स्वामी को भूमि का आवंटन नहीं दिया जाता था। वहीं पूरी राशि जमा करने के बावजूद जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जाती थी। यदि रजिस्ट्री हो भी जाती थी तो अनाधिकृत रूप से जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था। इसके बाद पुराने सदस्यों को कोई भी कारण बताकर उनकी सदस्यता समाप्त कर नए सदस्य को जोड़ लिया जाता था, जिसके चलते जमीन की जादूगरी का खेल वर्षों से चला आ रहा था। जिसके बाद दोनों ही मामले में पीड़ित लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले और CM ने मामले को गंभीरता से समझते हुए लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से जांच के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद ही प्रशासन और पुलिस की टीम जमीनों के मामले में पीड़ित के पक्ष को ध्यान में रखते हुए एक ब्लू प्रिंट के साथ मैदान में उतरी और बुधवार रात को कार्रवाई शुरू कर मामले में एक्शन लिया, जहां छापामार कार्रवाई कर गिरफ्तारियां शुरू करते हुए तोड़ के उसमें भी नगर निगम द्वारा की FIR की गई है प्रशासन द्वारा भी, क्योंकि उसमें अभी कोई ऐसे पीड़ित हम लोग को नहीं मिल सके थे। श्रीराम रेडवा संस्था के लोगों ने जरूर बयान दिया है उसमें कि हमके साथ क्या चीटिंग हुई है, उस उनके बयानों के आधार पे सोसाइटी से क्या चीटिंग हुई है, प्लस अवैध कॉलोनी का निर्माण किस प्रकार से कर रहे थे, उसमें भी FIR तहसीलदार द्वारा और नगर निगम द्वारा की गई है उसमें। तो ये तीन मुख्य कार्रवाइयाँ की गई हैं। इस पूरी मुहिम का मकसद ये है, जो लोग मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्षेत्रीय विधायक जी का जो कहना था उसमें ये था कि इनको कब्जा तो जरूर दिलवाया जाए। तो हम लोग का फोकस यही है कि अभी जैसे हम लोगों ने 3000 करोड़ से अधिक की जमीन, 3250 को टेंटेटिव आया था उसका, और 3000 करोड़ से ऊपर मान सकते हैं जो निजी प्लॉट से, ये जो इस तरह के अनधिकृत लोगों के अवैध नियंत्रण में थे कि वह घुस सकते हैं, उनको मुक्त करा के सदस्यों को दिलवाए हैं। प्रोसेस चल रही है हम लोगों की, इसमें माननीय सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी ने सहमति दी है कि पुष्प विहार में अभी वो फॉर्मल एक कब्जा जो सहकारिता विभाग की तरफ से होता है उसमें हम लोग पूरी लिस्टिंग कर रहे हैं। सहकारिता विभाग से पूरी लिस्टिंग की जा रही है किन किन की रजिस्ट्रीज हुई है, पात्र कौन कौन से हैं। उसमें ये भी हुआ है कि कुछ लोगों के प्लॉट को गलत तरीके से आवंटित किया गया है, कुछ उसमें 100 से अंदर ही संख्या होगी जो नसीब मेरे द्वारा अलॉट किए गए हैं, आवंटित किए, क्योंकि उसको अधिकार नहीं था उसको, और वो मेरिट लिस्ट से अलग हटके किए गए हैं। कुछ एक केसेस उसमें ऐसे भी आए हैं वो आवंटन सही है किंतु एक ही परिवार के एक ही पते पे कई लोगों को रजिस्ट्री हुई है, वो भी सहकारिता अधिनियम नियम के तहत वो भी प्रतिबंधित रहता है कि एक ही परिवार एक ही एड्रेस पर रह रहे हैं जो उनके एक से अधिक भूखंड दे दिए, क्योंकि उस समय डिक्लेरेशन लिया जाता था कि हमारी मध्य प्रदेश के में कहीं दूसरे का प्लॉट नहीं है। उन कुछ ऐसी कैटेगरी के लोगों को रोक करके बाकी लोगों को फॉर्मल हम लोग जो सहकारिता विभाग की प्रक्रिया है, सहकारिता विभाग के अधिकारी प्रशासक रहेंगे या जो अध्यक्ष रहेंगे उनके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी के उपस्थिति में उनको हम लोग कब्जा दिलवाएंगे वहाँ पर। और ये तीन मुख्य कार्रवाई हुई है जो पूरे शहर में कॉलोनीज हैं, लगभग 858 हाउसिंग सोसाइटीज हैं इस जिले में, उसमें से 161 डिफंक्ट पड़ी हुई हैं,
परिसमापन बोलते हैं उसको, उसमें चल रही है। बाकी बची कॉलोनियों में से लगभग 128 कॉलोनी में शिकायतें हैं और इसमें केवल 30 सोसाइटी ही ऐसी हैं जिसमें 10 से ज्यादा शिकायतें हैं। तो ये जो अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं वो 30 सोसाइटी में से कर रहे हैं जिसमें 10 से ज्यादा शिकायतें हैं, और 10 सोसाइटी ऐसी हैं 30 में से जिसमें 85% से ज्यादा शिकायतें हैं। मतलब जितनी भी शिकायतें आती हैं उसमें 85% ज्यादा उन्हीं 10 सोसाइटीज में, जिसमें कि ये मजदूर पंचायत भी है, देवी इंडिया भी है और नव भारत भी है, जागृति भी है, बहुत सारी कॉलोनी में नाम दिया है हमने नोट में कि 10 में जो आंकड़ा हमको सहकर्ता विभाग ने दिया है इसमें, इनमें हम लोग फोकस करेंगे। और प्रयास हम लोग का ये रहेगा जैसा कि अभी रिधमपुरी में रहा है देवी इंडिया की, जैसा हम लोगों ने कुश विहार में किया है कि लोगों का प्रोडक्शन में लोग अपने अधिकार का अधिकार के तहत अपने स्वामित्व के प्लॉट पर खड़े हो सके। परमिशन मिलना वो आगे की चीज है, अभी तो लोगों को भौतिक अधिपत्य नहीं मिल पा रहा था भूखंड का। परमिशन के लिए कैसे किस प्रकार परमिशन मिलेगी वो अलग प्रक्रिया है, जिसमें कि शासन की जो भी रीति रिवाज प्रक्रिया होगी हम लोग पालन करेंगे उसका। इसके साथ साथ बहुत सारी शिकायतें ऐसी भी हैं कि लोगों की पैसे पूरे जमा है, रजिस्ट्री नहीं हुई है। अभी जो मैंने केस बताया आपको, ये ऐसे केसेस थे जिसमें रजिस्ट्री हो गई थी घुस नहीं पा रहे थे। कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें अलॉटमेंट हो गया है, पूरा पैसा जमा कर दिया था लोगों ने, उनको रजिस्ट्री नहीं हुई है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि सदस्य शुल्क लेने के बाद, पहले 25 रुपये था, बाद में 500 हो गया, उसके बाद कॉलोनाइजर्स ने राशि जमा करा ली भूखंड की अगेंस्ट, प्रीमियम राशि जो होती है, मान लीजिए 10,000 रुपये राशि जमा करानी थी भूखंड के अगेंस्ट में, कॉस्ट के अगेंस्ट में, उसमें 8,000 जमा करा ली, 7,000 जमा करा ली, किंतु बाद में फिर नहीं उनको राशि जमा कराई और उनको भूखंड भी नहीं दिया। ऐसी शिकायतें भी हैं, ये अलग अलग कैटेगरी की शिकायतों को हम लोग एंटरटेन करेंगे। जिस प्रकार से कुश विहार में वरीयता सूची पूरी बनाई जा रही है, पिछले 4-5 दिन से टीम लगी हुई है सहकारिता विभाग की, और उसमें हमारे यहाँ से SDM भी उसका नियंत्रण कर रहे हैं कि वरीयता सूची पूरी तैयार हो जाए उसकी। उस वरीयता सूची में जो पात्र रहेंगे, अपात्र रहेंगे, उनको अलग कर देंगे। जैसे एक ही परिवार के 4 लोग हैं तो अभी उनसे पूछताछ होगी वो एकदम से नहीं दे सकते हैं उनको, या जो नसीम हजरत है जो बाद में बंधक प्लॉटों की जो अगेंस्ट रजिस्ट्रियाँ की थी वो गलत पाई गई हैं, उनको रोक लेंगे। बाकी लोगों को हम लोग सहकर्ता की जो प्रक्रिया है वो लोग उसका भूखंड कब्जा दिलवाएंगे, चाहे अध्यक्ष दिलवाएंगे चाहे प्रशासक बैठा के दिलवाएंगे। उसमें हीना पैलेस में एक द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।